हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए बजाज पल्सर 150 का जो ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन कलर है वो लेकर आया हूँ। और जैसे आप क्विक लेंस में देखेंगे तो प्यारा सा जो ब्लैक अलॉय व्हील का सेटअप है और इस ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खिलता है। इसके अलावा मैं कल परसों में आपके लिए ब्लू कलर का भी लेकर आ जाऊँगा, पर फिलहाल एक ग्लेंस में ब्लैक कुछ इस प्रकार से दिखता है। और एक बार टैली कर लेते हैं तो मेरे सिटी में ये 1,32,000 ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी। और इसका ओवरऑल डिटेल्स पता करेंगे, जिसमें ग्राफिक्स सबसे लास्ट टैली करते हैं। एक ओवरऑल सबसे पहले इसका इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, जो नॉर्मली आप पहले भी देख चुके हैं। तो 149.50 सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया गया है, जो कि पावर 14 bhp का निकाल के देता है। और वहीं पर टॉर्क 13.25 nm का मिलता है। फिर जैसे ही आप इसको कवरेज करेंगे तो फिर इसका मेन पॉइंट आता है कि फ्रंट के ब्रेक सिस्टमेट कुछ कैसे दिए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये डबल डिस्क वाला ऑप्शन है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको फ्रंट में 280 mm के जो मिलते हैं और पीछे मिलते हैं आपके लिए 230। फिर जैसे डिस्क प्लेट का सेक्शन ख़त्म होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस व्हीकल का फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना दिया हुआ है। तो इसमें 15 लीटर की टंकी प्रोवाइड कराई गई है। अब ये 15 लीटर की टंकी कितना यूज़फुल है कि समझ लीजिए, ऑन एन एवरेज अगर इस व्हीकल का निकलता है 40 से 50 किलोमीटर जो कि है, तो आप 15 लीटर फुल टैंक भराएंगे तो उतना इंटू कर दीजिएगा, तो अप्रॉक्सीमेशन आप उतने किलोमीटर्स एक सिंगल ट्रिप में बिना किसी डिस्टर्बेंस के जा सकते हैं। तो ये यूजुअल जब लंबे ट्रिप में गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। फिर इसका जो ओवरऑल सामने का लुक है उसे एक बार टैली कर लेते हैं। तो जैसे आप सामने का देख रहे होंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ सामने सिंपल हैलोजन लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ये पोर्शन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो बगल का जो ब्लैकिशपन आप देख रहे होंगे, इसको मैं हल्का सा आपके लिए सब डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से ये पोर्शन कट के आया है और ये ऊपर वाइजर का पोर्शन। तो यहाँ नीचे जैसे आप देख रहे होंगे तो ग्राफिक्स दिया हुआ है। अब जो ग्राफिक्स है मैं एक बार साफ करके दिखा देता हूँ। तो इसके जो स्टिकर्स हैं वो इतने पोर्शन में पूरी तरीके से चिपके हुए हैं इस ग्लॉसी ब्लैक कलर पे। पर यहाँ जो ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे इस स्टिकर के सिर्फ निचले वाले पोर्शन के तरफ है, जो कि यहाँ है, और रेड वाला कुछ यहाँ पर मिलता है। इंडिकेटर्स आपको सिंपल बल्ब फॉर्मेशन में ही मिलेगा। और जैसे सामने मैं इधर पर आता हूँ तो यहाँ का जो कुछ चेंजेस है उसको टैली करते हैं। तो करेक्ट, अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठता हूँ तो आपको इस प्रकार का आईसाइट मिलता है, और इस आईसाइट में कभी भी आप गाड़ी चलाएंगे तो कुछ ऐसे आपको दर्शन होंगे। और नीचे अगर आप टैंक को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से ब्लैक दिखेगा, जिसमें साइड का जो इस रेड कलर का ग्राफिक्स है वो हल्का हल्का यहाँ पर और यहाँ पर दिखता है। इसको जैसे आप सामने नोटिस कर रहे होंगे तो डिजिटल फॉर्मेशन में ये है इतना पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एनालॉग फॉर्मेशन में दिया हुआ है, जो कि 0 से लेकर 12,000 rpm तक की जानकारी बताता है। इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर वो इंडिकेशन देगा। ये सबसे बड़ा जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ कितने किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से गाड़ी चल रहा है वो बताएगा, और यहाँ पर कितने किलोमीटर रनिंग है उसकी जानकारी बताएंगे। और सबसे राइट साइड का जो दाएं में हल्का सा झुका हुआ पोर्शन है, इसमें आपको बताता है कि फ्यूल कितना है और कितना इस व्हीकल को आवश्यकता है, उसके जानकारी इंडिकेशन से आपको मिल जाएगी। जो ग्राफिक्स मैं ऊपर से दिखा रहा था वो साइड के टंकी से भी दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये टिप पॉइंट से शुरू है और वो यहाँ तक जाता है। पर साइड का जो कवरिंग है ये हल्का सा डिज़ाइन को कट करता है, क्योंकि ये जो लहर है ये कट के सिर्फ ऊपर को ज्वाइन होता है, पर वहीं आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा कटिंग थोड़ा सा अलग लगता है। नीचे भी कुछ वैसे ही आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये होते हुए एंड यहाँ तक होता है। इसका एक चीज़ और है, जैसे रेड कलर का ग्राफिक्स ख़त्म होगा तो ऊपर का जो लेयर है वो हल्का सा ब्लैक और कह सकते हैं कि हल्का सा सिल्वरिश पैटर्न में आपको मिलता है, जो कि कवरिंग के तौर पर दिया हुआ है। फिर साइड का ग्राफिक्स यहाँ भी एक नोटिसेबल है, ये भी पतला रहेगा और टिप पॉइंट से आएगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, और दूसरा यहाँ से लहर शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। जैसे आप नोटिस करिएगा ये डार्क टिप पॉइंट है यहाँ पर इसके ग्राफिक्स में, पर यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे तो हल्का सा इन लोग फेड करते हुए हल्के डॉटेड डॉटेड में ख़त्म करके इस ब्लैक में मिला दिए हैं।
फिर जैसे साइड का पोर्शन की तरफ देखेंगे तो साइड कुछ इस प्रकार से है, जिसमें 150 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन वो ऐसे ही है और ये एक पैमाने में अपने हिसाब से अट्रैक्टिव है। पीछे का जो बैकलाइट है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि जैसे रात को जलता है इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा रखता है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टर है उसे बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में रखा गया है, जिसके कारण रात को काफ़ी ज़्यादा ये चमकता है। और पीछे भी आपको सेम बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स मिलते हैं। बैक का लुक अगर आप देखेंगे इस व्हीकल का तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और नीचे साइलेंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि डिसेंट आवाज़ प्रोवाइड करता है। अब जैसे पीछे की तरफ आई गए हैं तो एक बार मैं आपको इसके टायर सेक्शन से वाकिफ करा देता हूँ। तो इसमें 120x80 17 इंच के पीछे टायर सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, और ग्रिपिंग आप देखेंगे तो सफिशेंट आपको इस व्हीकल के हिसाब से जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। साथ ही साथ सामने का भी देख लेते हैं लगे हाथों, तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ तो 90x90 17 इंच के प्रोवाइड कराए गए हैं, और पीछे के कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंट इसमें शार्पी लुक ये आपको ऐसा कुछ देखने मिलता है। अब बात करते हैं इस व्हीकल का जो ओवरऑल डायमेंशन है, तो इस व्हीकल के कर्व वेट से शुरुआत करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन आपको 150 केजी का मिलेगा, तो ऑफकोर्स 150 सीसी और कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन गया है कि ये सटीक 150 केजी के कर्व वेट में भी अवेलेबल है। लेंथ आप देखेंगे तो सामने का टिप पॉइंट मतलब यहाँ से लेकर वो पीछे तक आप कवर करें, जो शायद निचला पोर्शन भी टैली होगा, तो इसमें 2035 mm है। विड्थ आप इस व्हीकल का देखेंगे तो 750 mm। हाइट आप नोटिस करेंगे तो नीचे वाला जो टिप पॉइंट है उससे लेकर ऊपर तक आप देखिएगा तो इसमें 1115 mm, और व्हील बेस इस व्हीकल का 1345 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफकोर्स मैटर करता है, क्योंकि आप एक परफेक्ट बजट व्हीकल लेते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल उसके हिसाब से भी करना पड़ता है। तो सफिशेंट आपको 165 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये व्हीकल बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ा लोकप्रिय रहता है, क्योंकि पल्सर एक नाम है, और बेस अगर आप 125 नहीं लेते हैं और 150 आप पसंद करते हैं जिसमें से ड्यूल डिस्क आपका ऑप्शन रहता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। और जितने भी लोग पहले से इसके यूज़र हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि जो न्यू बायर्स हैं उनको लेना चाहिए कि नहीं। शायद आपके कमेंट्स और आपके सजेशन से उन्हें हल्का सा डिसीजन लेने में मजबूती मिल सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।